उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी FSC चैप्टर नंबर 1। अब सबसे पहले FSC किसे कहते हैं? FSC क्या है हमारे पास? FSC फैकल्टी ऑफ साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंस का मतलब ये है कि हम इसमें डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। उसके बाद अब चूंकि हमने एक मखसूस सब्जेक्ट पढ़ना है बायोलॉजी, तो हम देखते हैं बायोलॉजी को। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि नेचर क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साइंस क्या चीज़ है। साइंस इज़ अ नॉलेज इन विच, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशन क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन कोई भी ऐसा मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन को मुशाहिदात कहते हैं। तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनमें उनसे हम जो मुशाहिदात करते हैं उनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन आर मेड, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि सिंपल सी इसकी मिसाल ये है कि जब न्यूटन जो है जब दरख्त के नीचे बैठा, तो दरख्त के नीचे बैठ के वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कोई, तो उसके दरख्त से नीचे सेब गिरा। तो उसने क्या किया, उस सेब की ऑब्जर्वेशन की कि किस तरह वो गिरा, और यूँ उसने क्या किया, एक लॉ बना दिया जिसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। उसके बाद लुईस पाश्चर वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द एरा, उनका कहना है कि नेचर हर पर्सन को ऑब्जर्वेशन के जरिए एक चांस देती है। अब ऑब्जर्वेशंस आर मेड, साइंस में क्या किया जाता है, एक ऐसा नॉलेज है जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, अब वो जो ऑब्जर्वेशंस हमने हासिल की हैं उनकी बुनियाद पे क्या किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं, और तजर्बात की बिना पे ही क्या निकाले जाते हैं, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। कंक्लूजन्स मीन नतायज निकाले जाते हैं, नतायज को विड्रॉ करते हैं हम लोग। अब अगर बात की जाए साइंस का लिटरल मीनिंग क्या है, तो साइंस एक वर्ड, लैटिन वर्ड जो है साइंटिया से मखूस है, साइंटिया से ड्राइव हुआ है, और साइंटिया का मतलब लफ्जी मतलब है नॉलेज। तो साइंस का लफ्जी मतलब क्या हुआ, नॉलेज। लेकिन चूंकि उर्दू, इंग्लिश जो है, मैथ और इस्लामियात वगैरह, मुताला पाकिस्तान, ये सारे भी क्या हैं, नॉलेज हैं, तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए क्या कह देते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो साइंस क्या है, साइंस इज एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। उसके बाद बात की जाए साइंस, उसके बाद बात करते हैं नेचर की। नेचर क्या चीज़ है, एनी थिंग डैट इज नॉट डिजाइंड बाय ह्यूमन बींग्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स डिसाइड, उसको डिज़ाइन ना करें, उसको कहते हैं नेचर। नेचर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, हर चीज़ नेचर की, हर चीज़ जो है वो अपनी प्योर हालत में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर बात की जाए तो कलर, एक होता है नेचुरल कलर और एक होता है आर्टिफिशियल कलर। नेचुरल कलर जो है वो ह्यूमन से डिज़ाइन नहीं किया जाता, वो कुदरत की तरफ से प्रेजेंट होता है जब बेबी की बर्थ होती है। लेकिन जब ब्यूटी पार्लर में जाके उसको चेंज करवाया जाता है, मोल्ड किया जाता है, तो वो बन जाता है आर्टिफिशियल कलर। तो नेचर वर्ड किस से ड्राइव है, नेचुरल से। इसी तरह जो इसके उलट वर्ड है वो है आर्टिफिशियल, जो हम मसनूई तरीके से हासिल करते हैं, जो चेंज करते हैं हम लोग, जब नेचर को चेंज करने की तरफ आते हैं तो वो हो जाता है आर्टिफिशियल। उसके बाद बात की जाए, अभी हमने साइंस को और नेचर को स्टडी कर लिया, अब आते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख है डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी का अगर लिटरल वर्ड्स को देखा जाए तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब उसके बाद बात की जाए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। बायोलॉजी क्या करती है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर।
फितरत को समझने में, नेचर को समझने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो नेचर, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एनीथिंग दैट इज़ नॉट डिज़ाइन बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो चीज़ हमने डिज़ाइन नहीं की उसको हम नेचर कहते हैं। उसके बाद ये थी बायोलॉजी की कॉमन डेफिनेशन। अगर बात की जाए मॉडर्न डेफिनेशन की, तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं बायोलॉजी, उसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। अब उसकी मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, H2O क्या है, वाटर, और ये क्या है, नॉन लिविंग। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, लिविंग्स। अब H2O नॉन लिविंग और प्लांट और एनिमल्स लिविंग, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के लिए वाटर की रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि वाटर किस तरह एनिमल्स और प्लांट्स की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करता है। तो प्लांट जो हैं वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, एनिमल्स भी वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी की है मॉडर्न डेफिनेशन। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो पर्सन जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, बायोलॉजी को पढ़ने वाले पर्सन को कहते हैं बायोलॉजिस्ट। अब डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। ये फितरत के उस हिस्से को भी देखते हैं जो कि क्या है, लिविंग, जैसे मैंने एग्जांपल दी प्लांट्स और एनिमल्स की, और उस हिस्से को भी देखते हैं जो कि क्या है, नॉन लिविंग, जैसे कि H2O। अब लिविंग पार्ट कौन से को देखते हैं जो कि क्या है, यूजफुल है। यूजफुल मतलब के नेचर के लिए, माहौल के लिए क्या है, फायदेमंद है। और नॉन लिविंग पार्ट को भी कौन कौन से देखते हैं, यूजफुल है जो, और उसके अलावा जो हार्मफुल है। यूजफुल पार्ट, फॉर एग्जाम्पल पानी, H2O के बगैर हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O जो है वो एक यूजफुल थिंग है। हार्मफुल थिंग, अगर माहौल में, लेट्स सपोज एक कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये क्या है, एक हार्मफुल थिंग्स। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डील करते हैं यूजफुल थिंग्स को भी और हार्मफुल थिंग्स को भी। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजिस्ट की, एग्जाम्पल मैं इस तरह आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक बायोलॉजी और एक है बायोलॉजिस्ट, सेम एज इट, जैसे कुकिंग और कुक। कुकिंग क्या है, खाना पकाना, और कुक क्या है, जो खाने को पका रहा है। इसी तरह बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, और जो बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं वो क्या है, बायोलॉजिस्ट। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजिस्ट करते क्या हैं। बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड। स्ट्राइव का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, कोशिश नहीं, जिद्दोजहद। कोशिश छोटा वर्ड है, स्ट्राइव एक बड़ा वर्ड है, जिद्दोजहद। अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंड वो किस चीज़ से करते हैं, अंडरस्टैंड वो करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के बाद वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो जो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उस जितना भी नॉलेज होता है उनके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब को इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके कंक्लूजन्स देते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसको अगर मैं रिवाइज कर दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा साइंस। तो साइंस क्या है, ऐसा नॉलेज है जो तीन चीज़ों पे जो है बेस करता है। पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो साइंस एक लतीनी जुबान के लफ्ज़ साइंटिया से मखूज है, जिसका मतलब है नॉलेज। उसके बाद अगर हम बात की जाए नेचर की, तो नेचर क्या है, एनीथिंग दैट इज़ नॉट डिज़ाइंड बाय ह्यूमन बींग, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने डिज़ाइन नहीं की उसको हम क्या कह देते हैं, नेचर, अपनी असली हालत में प्रेजेंट हो। उसके बाद बात की जाती है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, और बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है, ये नेचर को समझने में हमारी मदद करती है। उसके बाद बात की जाए मॉडर्न डेफिनेशंस की, ये कॉमन डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी मिसाल मैंने दी आपको H2O, प्लांट और एनिमल्स। अब H2O, पानी, प्लांट और एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए डिपेंडेंट हैं H2O पे। तो H2O क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजिस्ट की, तो वो शख्स
जो क्या करते हैं, बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और वो लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को देखते हैं और नॉन लिविंग को, जैसा कि प्लांट और एनिमल्स और वाटर नॉन लिविंग। उसके बाद वो स्ट्राइव करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसको, उस नॉलेज को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद